इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले माइकल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो सबसे पहले देखिए इसकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। जिस तरह मैग्नेट में हमने देखा था कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ में एंटर होती, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती, इसमें स्ट्रेट निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो कर्व पाथ फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है। और ये कहाँ तक जाती है, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, ये सारी लाइन अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। तो जिस तरह पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है, उसी तरह नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन हुआ, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होगा। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर पास में रखे होंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज है उससे निकल के सीधे नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल के नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो पाथ है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कर्व पाथ फॉलो करेगा। सारी की सारी जो लाइंस है इसमें नहीं जाएंगी, कुछ लाइंस दूसरी डायरेक्शन में भी जाएंगी, बट कुछ लाइंस होंगी जो वो कोइंसाइड करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में जाएंगे। और ये जो कर्व पाथ है इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता करना है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे और ये टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एरो दिखा रहा है। अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ ये एरो दिखा रहा है। तो हर पॉइंट पे कर्व के टेंजेंट बना के हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखें, मीन्स यहाँ मान लीजिए अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट हमने रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे रिपेल होते होते इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। देखिए जैसे यहाँ हर एक लाइन आप देख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही, सभी अलग अलग है। अगर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो मतलब उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास में रखे होंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? देखिए इस केस में भी इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आउटवर्ड होंगी, इससे भी चारों तरफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हुई दिखेंगी। बट इस पॉइंट पे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये यहाँ तक आके इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, तो एक कर्व पाथ ये फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट न्यूट्रल हो गया। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ज़ीरो। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। जहाँ पे
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज मोर, जहाँ पे ज़्यादा डेंस है, घनी लाइनें हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, और जहाँ डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो देखिए, जैसे दूर दूर अब इस पॉइंट से अगर जाएंगे, एक एरिया बनाएंगे, तो यहाँ से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस करेंगी, बस जितनी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास हम आएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगे, तो मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज के पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और चार्ज से दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा।